हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दुनिया भर के हर दरवाजे से मिली धुतकार के बाद फिर भी अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह अपनी बौखलाहट में पूरी दुनिया के सामने भीख में गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों भारतीय संसद की ओर से उठाए गए कदम पर बौखलाए पाकिस्तान की भले ही दुनिया भर में फजीहत हो गई है, दुनिया के किसी देश ने उनकी बात नहीं सुनी है, लेकिन फिर भी उनके नेताओं पर इस बात का कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो अपने देश की जनता को अलग ही राग अलाप रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्टू बने इमरान खान ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर ऐतिहासिक गलती की है और ऐसा करके उन्होंने कश्मीर की आजादी का रास्ता खोल दिया है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी पाकिस्तानी नेता अपनी ही जनता को बरगला रहे हैं। दोस्तों इस तरह के बयानों के लिए पाकिस्तानी नेताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक आज, हो सकता है बड़े पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के कदम पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए पैकेज का ऐलान सरकार करेगी। इससे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय की अंतर मंत्रालय बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर बढ़ाई फौज, तैनात की तोपें। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद से ही पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी छाती पीटता नजर आ रहा है। हर तरफ की कोशिशें असफल होने के बाद अब पाकिस्तान एलओसी पर अशांति फैलाने की प्रयास में है। दोस्तों सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सरकार ने सीमा पर भारी संख्या में अपनी फौज की तैनाती की है, साथ ही कम दूरी की तोपों को भी सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आतंकवादियों की मदद भी पाकिस्तान ले रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में आतंकवादी बनाकर घुसाने की फिराक में है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लागू हो गया नया व्हीकल एक्ट, हेलमेट नहीं लगाने पर अब रद्द होगा लाइसेंस, जानिए ट्रैफिक के नए रूल्स। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर विधेयक 2019 को इस महीने की शुरुआत में ही पास कर दिया। यानी कि दोस्तों अब कानून नए लागू हो चुके हैं, तो जान लेते हैं कौन कौन से नए कानून उनके अंतर्गत क्या क्या सजाएं आपको मिलेगी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर। तो दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं सारे के सारे नियम। दोस्तों धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा, अथॉरिटी के आदेश नहीं मानने पर ₹2000 का जुर्माना देना होगा, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर ₹5000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर, यानी कि डिसेबल है आप, अपंग है या फिर आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है और आप फिर भी लाइसेंस चलाते गाड़ी चलाते हैं तो आपको ₹10,000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तय सीमा से तेज वाहन चलाते हैं यानी कि ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आप पर ₹1,000 जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दोस्तों खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना यानी कि रेस ड्राइविंग पर ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको ₹10,000 का जुर्माना देना होगा, पहले यह जुर्माना मात्र ₹1,000 का था। इसके अलावा दोस्तों बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर ₹10,000 का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोस्तों ओवरलोडिंग करने पर ₹2,000 और प्रति टन ₹1,000 अतिरिक्त चार्ज लगेगा, जो कि ₹20,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत दोस्तों ओवरलोडिंग होने पर ₹1,000 प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर चार्ज किया जाएगा। यानी कि जो स्कूल वैन होती है, सिटी बसें होती है, उन पे भी अब अगर ओवरलोडिंग करेंगे, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स को बिठाएंगे तो मालिक को जुर्माना देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो आपको ₹1,000 का जुर्माना, साथ ही 3 महीने के लिए
लिए लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है और फिर भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इन सब के अलावा दोस्तों, अगर आप वाहन मालिक हैं, अगर आपकी गाड़ी को कोई नाबालिग व्यक्ति चलाता है तो मालिक को दोषी माना जाएगा या फिर उसके माता पिता या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। इसके तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, यह थे कुछ नए रूल जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में लागू किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अब आज की अगली बड़ी खबर का। फ्री बिजली के बाद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, पानी के बिलों का बकाया भी हो जाएगा माफ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को पिछले दिनों तय सीमा तक मुफ्त में बिजली देने का ऐलान करने के बाद मंगलवार को एक और बड़ा तोहफा दिया है। इस बार केजरीवाल ने पानी के बिल का एरियर पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि पानी के बिलों से एरियर हटा दिया जाएगा। केजरीवाल की तरफ से की गई इस घोषणा को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा है कि अगर किसी पर एरियर का बकाया दिखा रहा है तो यह गलती बिलिंग के कारण होगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। आज बिहार, झारखंड में तूफान की है आशंका। तो दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जान लेते हैं जल्दी से मौसम समाचार। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से। दोस्तों, मौसम विभाग ने 14 राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है, में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तूफान की भी आशंका जताई है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। किसानों को मिला तोहफा, आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड पर दी बड़ी छूट। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मछली पालन और पशुपालन का काम करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर दिए जाने वाले लोन पर 2% ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है। दोस्तों, इस स्कीम के तहत छोटी अवधि के लिए 2,00,000 रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों को 7% की ब्याज दर पर लोन मिल रहा था। दोस्तों, 2018, 19 और 19-20 में लोन लेने वाले किसान भी इस सब्सिडी स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी ने पशुपालन और मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा जारी की थी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सोने का भाव रहा स्थिर, चांदी के रेट में 190 रुपए की आई तेजी। जानिए आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, निरंतर 5 दिन की तेजी के बाद आज स्थानीय सराफा मार्केट में सोना स्थिर रहा। आज सोने का भाव 39,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के पूर्व स्तर पर बना रहा। वहीं दोस्तों, चांदी दूसरी ओर 190 रुपए की तेजी के साथ 46,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला का नाम अब होगा अरुण जेटली स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, डीडीसीए ने अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के सम्मान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है। दोस्तों, स्टेडियम का नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में होगा, जहां कोटला में एक स्टैंड का नाम भारत के कप्तान विराट कोहली के नाम पर रखा जाएगा, जैसा कि पहले ही घोषित किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सरकार से अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को बदलने की गुहार लगाई थी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नया हलफनामा, हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। जी हां दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के
सीनियर नेता पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और प्रवर्तक निदेशालय ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, चिदंबरम की याचिका पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई और ईडी ने जवाब दिया। सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से एक और दिन के लिए राहत मिल गई है। इसके बाद दोस्तों चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर दिया है। चिदंबरम ने नए हलफनामे में आरोप लगाया है कि राजनीतिक मतभेद के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे निशाना बनाकर सताया जा रहा है। उनका कहना है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इस तरह की काम की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।